नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप एक YouTube क्रिएटर्स हैं और YouTube प्लेटफॉर्म पे वीडियो को अपलोड करते हैं और कॉपीराइट क्लेम की वजह से किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो सभी क्रिएटर्स के लिए YouTube एक सबसे बेस्ट फीचर लॉन्च कर रहा है। आखिर ये फीचर क्या है वो बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड के जितना सारा गाना है आप मोस्टली गाने को जो है बिंदास कॉपीराइट फ्री आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस झंझट को लेकर यानी कि अपने वीडियो में गाना को न इस्तेमाल करने के कारण उनका जो वीडियो है वो बेहतर वहां पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता था या फिर वीडियो जो है अच्छा क्रिएशन नहीं हो पाता था। लेकिन चाहे आप बड़े यूट्यूबर हो या फिर छोटे यूट्यूबर हो, आप किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग को अब अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप इस बात को जानते हैं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब वीडियो पे जो आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ही लॉगिन करना होता है और वहां पे आपको ऑडियो लाइब्रेरी का सेक्शन मिलता है। ध्यान रखिए, जब अभी आप YouTube चैनल पे जाएंगे और ऑडियो लाइब्रेरी सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहां पे जितना भी आपको मिलता है सारा का सारा म्यूजिक होता है, यानी कि गाना आपको नहीं मिलता है। और वो भी म्यूजिक मोस्टली आप देखेंगे वो हॉलीवुड का ही होता है, जो भारतीय क्रिएटर्स के लिए जो है न के यूज के बराबर होता है। यानी कि अगर आप उस म्यूजिक का इस्तेमाल करते भी हैं तो भी उतना फील आपके वीडियो में नहीं आ पाता है। अब वहीं जो ऑडियो लाइब्रेरी का सेक्शन दिया गया है वहीं पे YouTube जो है एक क्रिएटर म्यूजिक करके सेक्शन ऐड कर रहा है। वो क्रिएटर म्यूजिक सेक्शन का काम क्या होगा कि वहाँ पे बॉलीवुड के जितने भी सॉन्ग हैं, चाहे आप टी सीरीज की बात कर लीजिए या फिर जी म्यूजिक की बात कर लीजिए या फिर सोनी म्यूजिक की बात कर लीजिए, उसका लगभग 90% जो गाना होगा वो आपके YouTube चैनल पे ऑडियो लाइब्रेरी के नीचे जो क्रिएटर वहाँ पे म्यूजिक का सेक्शन होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहां पे किसी भी म्यूजिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी गाना को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर उस गाना का कितना परसेंट हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप बॉलीवुड के जिस गाना को चाहते हैं उसका पूरा का पूरा सेक्शन जो है आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पूरा फुल सॉन्ग जो है वो आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे यूट्यूब कुछ रूल और रेगुलेशन लेकर आ रहा है। YouTube का ये कहना है कि आप कॉपीराइट फ्री किसी भी गाना को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। ये दो प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप किसी भी गाना को जरूर आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उस म्यूजिक को या फिर उस सॉन्ग को आपको जो है परचेज करना होगा। वहां पे जो म्यूजिक ओनर होंगे उनसे आपको परचेज करना होगा। वहां पे दो सेक्शन दिया जाएगा क्रिएटर्स को, एक या तो आप उस गाना को परचेज कर लीजिए या फिर वहां पे रेंट पे ले लीजिए, दो सेक्शन वहां पे रहेगा। अब डिपेंड करता है आप एक साल के लिए परचेज करते हैं या फिर दो साल के लिए परचेज करते हैं या फिर आप उस सॉन्ग को लाइफ टाइम के लिए परचेज कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी भी गाना को टी सीरीज के किसी भी एक पूरा गाना को जो है आप परचेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उस गाना को एक ही आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यूट्यूब आपसे $10 एक सॉन्ग का ले रहा है और वहां पे एक साल का आपको टाइम दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है या फिर लाइफ टाइम वहां पे लाइसेंस दे रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि उस गाना को आप लाइफ टाइम आप अपने YouTube चैनल पे किसी भी वीडियो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वहां पे चार्जेज होने वाला है वो इसी के हिसाब से, गाना के हिसाब से वहां पे डिसाइड किया जाएगा। गाना ज्यादा पॉपुलर होगा तो वहां पे डॉलर ज्यादा होगा, और गाना अगर पॉपुलर कम होगा तो फिर वहां पे डॉलर जो है कम होगा। साथ ही साथ अगर आप बड़े यूट्यूबर होंगे तो फिर आपको वहां पे ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, और अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हैं आपके वीडियो पे भी ज्यादा नहीं आता है तो फिर बड़े से बड़े गाना को भी आप कम में जो है परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलने वाला है वो है परचेजिंग का, आप किसी भी सॉन्ग को परचेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा रेंट पे लेने का, अगर आप चाहते हैं कि परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। रेंट वाला जो मामला है वहां पे रेवेन्यू सेक्शन वहां पे चलेगा। आपको करना क्या होगा कि आप किसी भी सॉन्ग को आप अपने वीडियो में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो से जो भी आपका अर्निंग होगा उसका 50% जो हिस्सा है वो उस म्यूजिक कंपनी के पास जाएगा, और जो 50% हिस्सा होगा वो आपके पास आने वाला है। तो जब आप किसी गाना का इस्तेमाल करेंगे
तो वहां पे जब क्रिएटर कैंप करके जो क्रिएटर वहां पे म्यूजिक का सेक्शन है, हालांकि अभी यूट्यूब जो है ऐड नहीं किए हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इस फीचर को वहां पे ऐड करने वाला है। तो वहां पे जैसे ही ये फीचर ऐड होगा आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, या तो वहां पे आप परचेज कर लीजिए या फिर आप वहां पे जो है रेवेन्यू शेयर कर लीजिए। रेवेन्यू शेयर करेंगे तो आप उस गाना का बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस म्यूजिक के जो ऑनर है उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कितना साल के लिए आप लेना चाहते हैं वो भी आप लेंगे तो उसके बाद यही होगा कि उस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में आप उस म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरसते वहां पे शर्त यही होगा कि आपके वीडियो से जो भी अर्निंग आएगा उसका ऑटोमेटिक जो 50% हिस्सा है वो उस म्यूजिक ऑनर के पास चला जाएगा, और जो 50% हिस्सा है वो आपके एडसेंस अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि इस बात को आप लोग पहले से जानते भी होंगे कि YouTube से जो आप अर्निंग करते हैं उसका 45% जो शेयर है वो YouTube लेकर जाता है। तो ये ऐसे भी आपको नहीं पता चलता है, कुछ क्रिएटर्स नहीं जानते हैं, कुछ क्रिएटर्स इस बात को जानते हैं, आप सिर्फ अपनी अर्निंग को देखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग को आप अपने वीडियो में इस्तेमाल करते हैं और रिव्यू सेक्शन पे उस वीडियो को चलाते हैं तो उसमें जो आपका अर्निंग होगा उसका 50% ऑटोमेटिक जो है म्यूजिक कंपनी के पास चला जाएगा, और बाकी जो आपके पास आएगा तो वो आपको दिखाई देगा कि उस वीडियो से आप कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो आज के डेट में काफी सारे ऐसे भारतीय यूट्यूबर थे जो खास करके डांसिंग वीडियो वहां पे बनाते हैं या फिर म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या फिर कुछ वहां पे कैंप चलाते हैं, तो बॉलीवुड सॉन्ग को वो इस्तेमाल करना तो चाहते हैं लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से जो है वो सॉन्ग को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। अब बहुत जल्द जो है ये बिल्कुल जितना भी गाना होगा वो कॉपीराइट फ्री होने वाला है, और उसके बाद लगभग ये 1 से 2 महीना के अंदर जो है सभी क्रिएटर्स को ये सुविधा यूट्यूब दे देने वाला है। वहाँ पे बस आपको या तो परचेज करना होगा, मोस्टली वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा जो क्रिएटर होंगे, क्योंकि लगभग अगर हम एक वहाँ पे फिक्स पेमेंट बता दें कि काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर कोई भी गाना कितना में वहाँ पे परचेज होने वाला है, यानी कि सेलिंग कितना में होने वाला है, तो आप बड़े से बड़े वहाँ पे जो हाईलाइट वहाँ पे सॉन्ग होगा उसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा $10 उसका डिमांड होगा। ध्यान रखिए अगर गाना वहाँ पे ज़्यादा फेमस हो जाता है तो यूट्यूब फिर उसका रेट भी वहाँ पे बढ़ा देगा, लेकिन पहले जिस रेट में आप परचेज किए हुए थे आपका रेट वहाँ पे बढ़ेगा नहीं। जैसे मोबाइल वाला ऑफर जिस तरीके से आप रिचार्ज कराते हैं ठीक वही ऑफर जो है यूट्यूब पर भी काम करेगा, लेकिन अगर कोई सॉन्ग जो है पॉपुलर होता है तो फिर उसका रेट जो है यूट्यूब वहां पे बढ़ा देगा, लेकिन अगर कोई क्रिएटर्स पहले से उस ऑफर को ले चुका है तो उसी ऑफर पे आपका जो वहां पे प्लान होगा वो वहां पे वर्क करेगा। तो बहुत जल्दी ये जो म्यूजिक क्रिएटर का सेक्शन है वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप बॉलीवुड के किसी भी सॉन्ग को बिंदास जो है कॉपीराइट फ्री होकर आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं।